ओम शांति जनवरी मास हमें ब्रह्मा बाबा की बहुत याद दिलाती है मेरा भाग्य था कि मैं मम्मा बाबा दोनों को मिली ब्रह्मा बाबा को मैं ज्ञान में आने के बाद सोलह मास के बाद मिली जब मैं मधुबन आई मम्मा को तो पहले दिन ही मिली और मम्मा का प्रवचन सुना ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का रथ मानने में मुझे चार मास लग गए शिव बाबा को मानना तो सहज था परंतु ब्रह्मा बाबा मीडियम है वो मानने के लिए मुझे यज्ञ की कई स्टोरी उषा बहन ने सुनाई और वो सुनकर जो ब्रह्मा द्वारा सबको अलौकिक अनुभव हुआ वो सुनकर मेरा ब्रह्मा बाबा में निश्चय पक्का हुआ ब्रह्मा बाबा को हम बाप टीचर गुरु के रीति से सहज ही हमने एक्सेप्ट किया वैसे हमारे लौकिक पिता से भी हमारा विशेष स्नेह था उनका भी मेरे लिए विशेष स्नेह था परंतु ब्रह्मा बाबा से पिता का संबंध मेरा सहज जुट गया और मैं ब्रह्मा बाबा से राय सलाह लेती रही जब ज्ञान में आई उसके पहले डॉक्टर बन चुकी थी तो मेरा विचार था कि डॉक्टर बनकर मैं गांव में जाकर सर्विस करूं, क्योंकि बम्बई में तो बहुत डॉक्टर थे गली गली में डॉक्टर थे तो इसलिए मैंने हमारे लौकिक पिताजी को कहा कि मुझे गांव में प्रैक्टिस करनी है और उनकी इच्छा थी कि हम जहां रहते थे कांदीवली में वहाँ ही मैं प्रैक्टिस करूं तो क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा से जब मैं मिली तो मैंने ये प्रश्न पूछा बाबा मैं क्या करूं मेरे पिताजी कांदीवली में प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हैं और मेरा विचार था गांव में जहाँ कोई डॉक्टर ना हो वहाँ जाकर प्रैक्टिस करूं तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना क्योंकि 64 65 में कांदीवली इतना डेवलप नहीं था बम्बई से बहुत दूर था और इस कारण बाबा ने ये कहा जिससे मेरे पिता भी खुश रहे और बाबा की सेवा भी हो जाए तो मैंने बाबा से ये राय पूछी कि मैं प्रैक्टिस ना करूं तो मैं इसी सेवा में लग जाऊं बाबा ने कहा नहीं तुमको डबल डॉक्टर बनना है तो इसलिए मैं फिर बाबा की आज्ञा मानकर मैंने डिस्पेंसरी खोला वहाँ और जब ब्रह्मा बाबा बम्बई में थे तो मैंने अपनी नौकरी का टाइम बदली किया ताकि मैं मॉर्निंग क्लास अटेंड कर सकूँ जब मम्मा थी तब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और मैं सवेरे क्लास में नहीं जा सकती थी पर ब्रह्मा बाबा के टाइम मैंने पुरुषार्थ किया मैं सवेरे भी जाती थी शाम को भी जाती थी ब्रह्मा बाबा को परखने की शक्ति अजब थी मैं मिली भी नहीं थी परंतु शुरू में हम जब ज्ञान में आते थे तो हम बाबा को पत्र लिखते थे और अपना पासपोर्ट फ़ोटो भी भेजते थे वो पासपोर्ट फोटो देखकर और दादी ने कुछ सुनाया होगा तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे कि हमको ठीक पहचान लिया और बाबा पत्रों में हमको जो टाइटल लिखते थे सरल है शांत है गंभीर है आदि आदि जो टाइटल लिखते थे हम तो अपने आप को उन दिनों में नए नए ज्ञान में थे तो जानते नहीं थे अपने आप को परंतु बाबा ने हमें अपना दर्शन कराया तो बाबा की परख शक्ति एक बहुत थी मधुबन में हम आते जाते रहते थे साल में एक बारी आना होता था क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी कांदीवली में और सेंटर भी शुरू किया था तो मैं हम स्टूडेंट्स को लेकर साल में मैं एक बारी आती थी और हम देखते थे कि बाबा सबको चाहते थे कि सब क्लास में बाबा के पहले आ जाए तो पाँच मिनट पहले हम देखते थे मधुबन में सब दौड़ भाग करके पहुंच जाते थे कि बाबा के पहले पहुंचे। और बाबा ख़ुद भी रेगुलर और पंक्चुअल थे एकदम टाइम पर पहुंच जाते थे और बाबा देखते थे कि सामने स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो मुरली ध्यान से सुनते हैं या नहीं और कहते थे कि बाबा जैसे डांसिंग गर्ल है उसको अप्रिशिएट करने वाले सभा में होते हैं तो उनको मज़ा आता है तो इसी रीत से बाबा भी कहते थे जो हाँ हाँ ऐसे करे तो बाबा को भी मज़ा आएगा और कोई यदि ध्यान नहीं देते थे या के खाते थे या उबासी खाते थे तो बाबा समझ जाते थे कि इन्हों का मुरली में इतना इंटरेस्ट नहीं है और बाबा बहुत प्यार स्वरूप थे सब समझते थे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए बाबा के प्यार के कारण कईयों ने अपना जीवन न्यौछावर किया शुरू शुरू में ज्ञान तो इतना गहरा नहीं था बाबा यही पाँच दस मिनट में समझाते थे तुम आत्मा हो ये शरीर तुम्हारा है और बाबा शिव बाबा है परम धाम में रहते हैं तो दृष्टि देकर बाबा उनको अनुभूति कराता था एक बात आती थी टिकंडा दी जिसका युगल ने शरीर छोड़ा था और उसके भाई ने भी कुछ मास पहले शरीर छोड़ा था बहुत दुखी थी तो जब बाबा के सामने आई तो बाबा ने पूछा तू कौन हो कहा मैं एक दुखी आत्मा हूँ आधे घंटे के बाद बाबा ने दृष्टि दी थोड़ा समझाया पीछे पूछा तुम कौन हो कहा मैं सुखी आत्मा हूँ तो समझो बाबा के दृष्टि से इन्हों का थोड़े ही समय में परिवर्तन हो जाता था और बाबा मुरली में शिक्षा भी देते थे तो बाबा की पालना दृष्टि और ज्ञान मुरली द्वारा हम सभी को मिली और हम सभी ने बाबा को फॉलो किया और बाबा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जिस रीत से बाबा ने यज्ञ को मैनेज किया दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ने फॉलो किया और हम बहनों ने भी दादियों से यही सीखा तो आज भी यज्ञ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चलता है बाबा की शिक्षाओं से जो देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि यहाँ ये दो बहनें चलाती है और फिर भी ये कैसे इतना सुचारू रूप से चल रहा है तो ब्रह्मा बाबा ने अपने सामने सब बहनों को तैयार किया और जब बाबा अव्यक्त हुआ दीदी दादी ने संभाल लिया और सब दादियों को एक एक जोन दे दिया और भारत में तो विस्तार हुआ परंतु विदेशों में भी बहुत विस्तार हुआ और बाबा की कमाल ये है कि कईयों ने बाबा को देखा नहीं था सिर्फ बातें सुनी हैं फिर भी ऐसे सब कहते हैं हमारे बाबा हमारी मम्मा तो मम्मा बाबा ने एग्ज़ाम्पल बनकर हम बच्चों को अपना बनाया और आप समान भी बनाया तो बाबा की हमेशा ये इच्छा थी कि बच्चे विश्व के मालिक बने और उसके लिए राज्य अधिकारी बने यहाँ स्वराज्य अधिकारी बने तो बाबा ने खुद के एग्ज़ाम्पल से निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनकर दिखाया संस्था के बड़े होते भी कभी उन्हों को ये गर्व नहीं था कि मैं बड़ा हूँ उन्होंने मम्मा को पहले आगे रखा पीछे दीदी दादी को आगे रखा तो शुरू से ही ब्रह्मा बाबा ने माताओं को आगे रखा ज्ञान का कलश माताओं को दिया और बच्चों को नमस्ते करते थे बच्चों को नहीं कहते थे आप मुझे नमस्ते करो या पाँव पढ़ो या साष्टांग दंडवत प्रणाम करो इतने तक कि जब भी, भी बम्बई दिल्ली आते थे स्टेशन पर कहे के हमको मिलने लिए बच्चे स्टेशन पर नहीं आवे मैं क्लास में मिलूँगा मैं गुप्त हूँ गुप्त ही रहना चाहता हूँ और न फूल न हार न बुके कोई भी स्वीकार नहीं करते थे कि हम तो ब्राह्मण हैं ये तो देवताओं को सौंपते हैं तो बाबा ऐसे हमारे नम्र निरंकारी निर्माण थे और हम बच्चों को भी यही दी। ओम शांति